ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का कोई मेरा मोटिव नहीं था, बट जब से मेरा जो एग्जाम का रूटीन दिया है, मतलब कि शेड्यूल आउट हुआ है, तब से मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि अगर हम लोगों का एग्जाम इतना लेट होगा तो हमारा क्या होगा, हम लोगों को जॉब कैसे मिलेगा वगैरह वगैरह। अभी लॉकडाउन का भी न्यूज आ रहा है, तो ये सारे के सारे चीजों के ऊपर सोच रहा था। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है एपी नर्सिंग बोर्ड से, ताकि हमारा एग्जाम पोस्टपोन ना हो। मुझे तो नहीं पता कि वो लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, बट अगर मान लो अगर ये वीडियो पहुंचता है या फिर कुछ भी उन लोगों को दिमाग में आता है तो बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बस सिर्फ मेरे लिए नहीं है, एपी नर्सिंग बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जितने भी है, सभी लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प होने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो देख कर लगा कि हाँ ये वीडियो मुझे शेयर करना चाहिए मेरे और एक नर्सिंग फ्रेंड के साथ जो एपी नर्सिंग बोर्ड के अंदर एग्जाम देगा, तो मेरे हिसाब से आप प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो शेयर करने से एक तो बहुत ज्यादा फैलेगा और सब लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये हमारा जो एग्जाम है जल्द से जल्द कंडक्ट होके, मतलब कि 23 जनवरी से तो एग्जाम कंडक्ट होने ही वाला है, उनका रिजल्ट आउट और जो सर्टिफिकेट है फाइनल ईयर के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए जल्द से जल्द अगर उन लोगों का रिजल्ट आउट होगा तो वो लोग फिर से अपना, अगर किसी को सप्ली आया, मान लो किसी को सप्ली आया, तो वो लोग खुद के लिए प्रिपेयर भी हो सकते हैं। तो मेरे लिस्ट में सबसे पहला जो पॉइंट है, अभी हम लोगों को न्यूज आ रहा है कि कोविड के चलते फिर से लॉकडाउन हो सकता है, क्योंकि चीन कोरिया जापान यहाँ पे बहुत सारा लोगों को कोविड अफेक्टेड हो रहा है। तो ऐसा न्यूज आ रहा है, मैं कल ही रात को न्यूज देख रहा था कि जनवरी में बहुत ज्यादा कोविड अफेक्टेड होने वाला है इंडिया में भी, क्योंकि बाहर से जो इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स है वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट यही रहेगा, प्लीज एपी नर्सिंग बोर्ड, ताकि ऐसा कुछ भी करो हमारा एग्जाम पोस्टपोन और नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमारा एग्जाम बहुत लेट हो रहा है। सारे के सारे जो जितने भी नर्सिंग बोर्ड है ऑल इंडिया बेसिस पे सारे जगह पे ऑलरेडी एग्जाम कंडक्ट होके रिजल्ट भी आउट हो चुका है, और अभी हमारा शेड्यूल आया है बस 23 जनवरी से एग्जाम होगा। कुछ भी तरीके से हमारा एग्जाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, ये मेरा फर्स्ट रिक्वेस्ट रहेगा। और सेकेंड जो मेरा रिक्वेस्ट है, एक तो देखिए हमारा एग्जाम पोस्टपोन होकर 23 जनवरी तक चला गया, हमारा जो एकेडमिक सेशन था, मेरा जो एकेडमिक सेशन था 2019 से 2022, मेरा बैच था 2019 टू 2020, तो मेरा एग्जाम खत्म होने वाला था 2022 में, मतलब कि दिस ईयर। तो यहाँ पे अभी तक हमारा एग्जाम हुआ ना, तो रिजल्ट आया, कुछ भी नहीं हुआ। और बैंगलोर वगैरह बहुत सारे नर्सिंग इंस्टीट्यूट का जो जो बाहर का जहाँ पे एग्जाम हो चुका है, सब लोगों को तो 2-3 महीना जॉब भी हो गया। अभी मेरे हिसाब से अगर हम लोगों का जो रिजल्ट है, क्योंकि मेरे हिसाब से एपी नर्सिंग बोर्ड में सबसे लेट रिजल्ट आउट होता है, 4-5 महीना तक लग जाता है, पिछले साल भी 4-5 महीना लगा था, फर्स्ट ईयर में भी 4-5 महीना लगा था। मेरे हिसाब से जितना जल्द हो सके, क्योंकि हमारे कॉलेज में जब बीएससी का एग्जाम होता है तो 1-1.5 महीने के अंदर रिजल्ट प्लस सर्टिफिकेट दोनों मिल जाता है। मैं ये दोनों तो मांग नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पूरा नर्सिंग एपी नर्सिंग बोर्ड का वहां पे सवाल है, और एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारा इंस्टीट्यूशन आता है। तो जितना जल्द हो सके 1-1.5 महीने के अंदर, 1.5-2 महीने के अंदर प्लीज आप लोग अपना जो रिजल्ट है वो आउट कीजिए, क्योंकि रिजल्ट दिखाने पर भी हम लोगों का जो हॉस्पिटल में जो जॉब का जो सैलरी है वो भी बढ़ता है, क्योंकि उन लोगों को पता चलता है कि हाँ इसको सप्ली नहीं मिला, ये एक अच्छा लड़का है, इसको पढ़ाई में अच्छा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सिक्योर होता है जॉब। और जो लास्ट और थर्ड जो मेरा रिक्वेस्ट है कि 2 महीने के अंदर, मतलब कि मेरे हिसाब से लगभग 5 से 6 महीने के अंदर रिजल्ट और सर्टिफिकेट दोनों आउट कर दीजिए और हम लोगों को मिल जाना चाहिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे बस हम लोग जो बाहर का स्टूडेंट है उसी को नहीं, अगर किसी को बाहर कंट्री में भी जाना है, कुछ भी करना है, कोई भी प्लान कर रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये हमारा जो एकेडमिक सेशन है बहुत ज्यादा खींच रहा है लॉन्ग टाइम के लिए, इससे जल्द एग्जाम का जो रिजल्ट है और जो सर्टिफिकेट है मिलेगा तो हम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो देख के ये समझ आ रहा है, क्योंकि ये मैं वीडियो बस मेरे लिए नहीं सभी के लिए बना रहा हूँ, अगर आप लोग ये वीडियो को शेयर करोगे देखोगे और लोगों को बताओगे भी, तो शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं, बट हो सकता है कि रिजल्ट और जो सर्टिफिकेट शायद जल्दी मिल जाए। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही बोलना था कि हम लोगों का रिजल्ट और जो सर्टिफिकेट जल्द से जल्द मिलना चाहिए, और एग्जाम पोस्टपोन किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, हम लोग कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कोविड को फेस कर चुके हैं, हमारे फर्स्ट ईयर में अभी सभी लोग कोविड को फेस कर चुके हैं, उतना डर किसी पे भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से एग्जाम पोस्टपोन भी नहीं होना चाहिए और रिजल्ट और सर्टिफिकेट जितना जल्द हो सके 5 से 6 महीने के अंदर आउट हो जाना चाहिए, तो हम लोग बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का कैरियर का भी सवाल है यार, अगर यहाँ पर भी डिले होता है आलो ले लो। के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा यार, कोई भी हॉस्पिटल में वैकेंसी ही नहीं रहेगा, आप बताओ।
तो बस वीडियो में बस इतना ही बोलना था, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।